अनूपगढ़ ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। रायसन नगर से हमारे संवाददाता राम स्वरूप नायक ने बताया। रायसन नगर में अखिल भारतीय किसान सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर आज संगठन कार्यकर्ताओं ने रायसन नगर AEN कार्यालय पर प्रदर्शन कर 6 माह के घरेलू व कृषि बिल माफ करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता कामरेड शोपत्रा मेघवाल ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र सरकार ने घोषणा नहीं की तो मजबूरन जनता को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस दौरान किसान सभा जिला अध्यक्ष कालू थोरी, तहसील अध्यक्ष संजय गोदारा, दिलीप सहारन, मुकेश डेलू, प्रमोद भाखर, मूलाराम नायक, इंद्र सहारन, सुभाष नायक, सोमदत्त विश्नोई, रमेश कुमार आत्मस्वामी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय किसान सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर रायसिया नगर AEN कार्यालय पे हमने प्रदर्शन करके राजस्थान की गहलोत सरकार से मांग की है कि किसानों के व घरेलू उपभोक्ताओं के 6 माह के बिजली के बिल है वो माफ़ किए जाएं, क्योंकि COVID-19 महामारी के चलते पूरे देश में जो लॉकडाउन था, आम आदमी का रोजगार है, आम आदमी का काम धंधा है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। इसलिए हमने आज राजस्थान में तय किया था कि मुख्यमंत्री महोदय के नाम में भी AEN कार्यालय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे और हमारी सरकार को चेतावनी है कि सरकार शीघ्र 6 महीने के बिजली के बिल माफ करे, अन्यथा पूरे राजस्थान में अखिल भारतीय किसान सभा जोरदार संघर्ष की शुरुआत करे।